यारवली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एएनटी सरबरा ने खुद को करंटीना कर लिया। लीगी रहनुमा मियां मुश्तबा शजाउर रहमान भी कोरोना में मुब्तला, खुद को आइसोलेट कर लिया। कोरोना और लॉकडाउन की सूरत में लॉन्ग मार्च कैसे होगा? हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन किया तो लॉन्ग मार्च की तारीख पर नजरसानी होगी। नून लीग ने मुशावरत शुरू कर दी। तजावीज से बीडीएम का आइंदा इजलास में आगाह किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, कौमी असेंबली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सेक्रेटेरिएट के दफातर को दो रोज के लिए बंद करने का फैसला। कायमा, पब्लिक अकाउंट्स और खुसूसी कमेटियों के होने वाले इजलास मंसूख। मरियम और बिलावल भुट्टो को सियासत का कोई तजुर्बा नहीं। अपोजिशन सियासी नाबालिगों के हाथों अपनी सियासत को गिरवी ना रखे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि लॉन्ग मार्च मंसूख करें, हमारे साथ बैठे इस्लाहात बर्बाद करें। नवाज शरीफ आनी मुत्तहिदा की तरह पाकिस्तान नहीं आ सकते। मरियम नवाज को भी लंदन जाने नहीं देंगे। जावेद लतीफ की अपनी सोच नहीं, ये शतरंज का मोहरा है। शिबली फराज बोले, अपोजिशन ने जानबूझकर अब्दुल गफूर हैदरी को हरवाया। सेनेट इलेक्शन से साबित हुआ कि ये अंदर से टूट फूट का शिकार है। मरियम नवाज फिर जेल जाएंगी या नहीं? नैब की दरख्वास्त पर मरियम नवाज की जमानत मंसूखी का केस कल लगेगा। लाहौर हाईकोर्ट का दो रुकनी बेंच समाप्त करेगा। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे नहीं हटेगी, पीडीएम के फैसलों पर अमल करेंगे। जमहूरियत के लिए हम ऐसी कई हुकूमतें कुर्बान कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों सिलेक्टेड हैं। नए पाकिस्तान में जालिमों का राज है। जाफराबाद में जलसे से महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू। कराची में ब्रायलर गोश्त 460 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। जरा इस्माइल खान में चीनी 105 और घी 350 रुपए किलो हो गया। सब्जियां गोश्त महंगे दामों मिलने पर आवाम परेशान। हुकूमत के फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। आगरा के पेट्रोल 5.5 रुपए, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल 5.25 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी का तेल 4.5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान होगा। हुकूमती खर्चे ज्यादा, अरबों के कर्जे भी कम पड़ गए। अखराजात पूरे करने के लिए एक माह में 207 अरब रुपए के नए नोट छापे गए। ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत 6,885 अरब रुपए तक पहुंच गई। PSL 6 के बाकी मैचेस कब होंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुमकिना शेड्यूल फ्रेंचाइजेस को भेज दिया। मैचेस 2 या 4 जून और फाइनल 20 जून को कराने की तजवीज। गर्मी के बाद मैच रात को कराए जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान पहुंचने पर 7 दिन करंटीना करना होगा। रायगढ़ में तबलीगी जमात का 5 रोजा इज्तमा इख्तिताम पजीर। भारत से तबलीगी जमात के काबरीन की भी शिरकत। मौलाना इब्राहिम ने इख्तितामी दुआ कराई। कोरोना के बाद से इज्तमा में सिर्फ 65,000 शरका की इजाजत दी गई थी। दुश्वार गुजार रास्तों पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। हब में जीप और मोटरसाइकिल रैली का मेला सज गया। नादिर खान मगजी समेत सफे अवल के ड्राइवर इन एक्शन।